अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर डिजीज विच इज डेंगू फीवर। वी बेसिकली टॉक अबाउट डिफरेंट डिजीजेज इन दिस चैनल, सो इफ यू थिंक यू वांट टू नो अबाउट डिफरेंट डिजीजेज सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट कॉजेज, सिम्टम्स एज वेल एज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स ऑफ द डेंगू फीवर एंड हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस फीवर एज वेल एज आवर रिलेटिव। सो एट द एंड आई विल डिस्कस different interesting facts as well about the dengue fever. So let's start. Dengue fever basically जो है एक mosquito borne viral disease है और ये जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में through mosquitoes transfer होता है, spread होता है। और mosquitoes में भी हर किस्म के mosquitoes से नहीं होता, एक specific type है जिसका नाम है Aedes aegypti। Aedes aegypti में भी again female जो Aedes aegypti mosquitoes होते हैं वो इसको transfer करने का एक इंसान से दूसरे इंसान में बायस बनते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि primary vector जो है में जो है वो मच्छर जो है वो इसको प्राइमरी वेक्टर का रोल अदा करते हैं और इसको एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम। और इसमें जो है डेंगू फीवर जो है बेसिकली एक हाई फीवर होता है जिसमें आपका बुखार जो है वो 104 फारेनहाइट तक जा सकता है और इसके अंदर डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आपको शो हो रहे होते हैं, जिसमें आप इफ यू थिंक यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर और यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल। अब ये नहीं है कि आप जो है किसी ऐसी जगह पे चले जाए, किसी अताई के पास चले जाएं और वो आपको जो है डिफरेंट जो है मेडिसिन दे रहा है अलोंग विद एंटीबायोटिक्स, सो इट वॉन्ट बी बेनिफिशियल एट ऑल। इसमें जो है आपको साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। सो दीज सिम्टम्स आर, इसमें जो है आपको हेडेक हो रहा होता है, मसल्स और ज्वाइंट्स के अंदर पेन हो रही होती है, नोजिया वॉमिटिंग मतलब की मतली हो रही होगी, उल्टी आ रही होगी, पेन बिहाइंड द आईज जो आंखों के पीछे जो है आपके दर्द हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बॉडी के ऊपर रैशेज बन रहे होते हैं। सो इफ यू थिंक यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स तो आप लोगों को यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर। इफ यू कंटिन्यू दैट तो इसमें जो है एक नॉर्मल, मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए कि नॉर्मल सिम्टम्स थी जो कि हर इंसान के अंदर आ सकती है, बट इफ इट्स गेट सीवियर तो फिर उसमें जो है आप लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप लोगों को जो है बुखार जो है वो 2-3 दिन डिले कर गया है और आप उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप लोगों को जो है वो, और अगर आप लोगों को इन सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सिवियरिटी की तरफ जा रहा है और इसका जो है बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। और ऑफ कोर्स और आपके जो डॉक्टर हैं वही इसको ट्रीट कर सकते हैं, ना कि आप खुद घर पे रहते। तो इसमें जो सिवियर सिम्टम्स जो आ सकती हैं जो कि फैटल भी हो सकती हैं, उसमें सिवियर स्टोमक पेन है, ठीक है। इसके अलावा आपको मुसलसल जो है वो उल्टियां आ रही होंगी, आपके जो है नाक और मसूरों में से खून आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा होता है, उसके स्टूल में ब्लड होगा या वॉमिटिंग के अंदर भी ब्लड हो सकता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा आपके बॉडी के ऊपर जो है रेड स्पॉट्स होंगे, ठीक है, और आपको बेचैनी सी होगी। तो ये आपकी सीवियर सिम्टम्स थी। देन वी विल टॉक अबाउट द कॉजेस। अब डेंगू फीवर जो है वो एक वायरल बॉर्न डिजीज है, ठीक है। इसमें ये है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ यू आर इन द एरिया जहाँ पे कोई मच्छर वगैरह नहीं है लेकिन डेंगू के लोग मौजूद हैं और आप उनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं, सो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट कंटेजियस। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक एडिस एजिप्टिक मॉस्किटो जो है वो उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करते हैं, देन दैट इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है वो आपको बाइट करेगा, देन इट विल स्प्रेड। अब ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं होता लेकिन ये मच्छरों के जरिए फैल सकता है, तो ये इसकी कॉजेज है, ठीक है जी। देन अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें तो उसमें आते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। तो अब इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो है मेथड है वो जो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट प्रोमिनेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो है सीबीसी। व्हेन यू विल गो टू द डॉक्टर, और पाकिस्तान के अंदर जो है लोग अफोर्ड भी वही कर सकते हैं, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली यूज भी किया जाता है। सीबीसी के अंदर ये होता है कि आप लोगों के टोटल ब्लड काउंट आपके पास आ जाता है, उसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट भी होंगे, यूबीसी आरबीसी भी होंगे ऑफ कोर्स। तो प्लेटलेट्स काउंट का देखते हुए डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि आपको डेंगू फीवर है या एक नॉर्मल फीवर है। अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत लो हो गए तो इट मींस दैट यू हैव डेंगू फीवर। इसके अलावा जो डिफरेंट सीरोलॉजिकल मेथड्स होंगे जिसके अंदर जो है आपकी ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज को देखा जाएगा और एंटीबॉडीज में भी आपकी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है उनको देखा जाता है। इसके लिए जो प्रोसीजर है, जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो इलिसा के नाम से है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
हीमोग्लोबिन एसे। तो इसके जो है इसमें जो है ना आप लोगों को उसमें देखते हैं कि अगर ये एंटीबॉडीज आपके ब्लड के अंदर मौजूद है सो इंडिकेट के आप लोगों को जो है रिसेंट डेंगू इन्फेक्शन हुआ है। देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट्स का जो है यहाँ पे मैं सिर्फ एक जनरल व्यू दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस दैट यू कैन डू एट योर होम फैसिलिटी, मतलब होम रेमेडीज जो है वो डेंगू फीवर की क्या हो सकती है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर हम ये कहें कि कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे और आप लोगों को जो है ना कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है जी ये कि डेंगू में यूज हो सकती है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो इसके अंदर जो है ना अगर फीवर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जो है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। बाई रिकवरिंग फ्रॉम द डेंगू फीवर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब इसमें जो है बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ्स पाई जाती है कि जी पानी नहीं पीना और उसमें जो है ना आपका जो है प्रोलॉन्ग कर जाएगा डेंगू फीवर, ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी को है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, क्योंकि इफ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डी आई। अब इसमें जो है ना अगर पानी नहीं पियेंगे, फीवर है पहले से ही, पसीने आ रहे हैं, ठीक है, मुंह खुश्क हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है, बंदा लिथार्ज मतलब कि सुस्त फील कर रहा है बंदा, ठीक है, उसमें जो है अगर आप आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है तो वो जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा कर सकता है। सो यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। देन वी विल टॉक अबाउट इसके अंदर जो है मेन जो चीज है वो ये है कि डेंगू फीवर के अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल के अलावा। यू ओनली हैव टू टेक पैरासिटामोल। इसके अलावा ना आप कोई पेन किलर ले सकते हैं, ना ब्रोफिन ले सकते हैं, ना आप जो है वो सिंप्लेक्स ले सकते हैं जिसके अंदर नेप्रोक्सिन सोडियम होता है। तो ऑल दीज आर द पेन किलर्स और इसमें जो है वो भी कॉम्प्लिकेशन में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप पैरासिटामोल के अलावा कोई भी और टैबलेट ले रहे हैं, कोई पेन किलर्स ले रहे हैं, तो वो जिस तरह आईबीप्रोफिन होती है, ब्रोफिन के अंदर आईबीप्रोफिन होता है, तो ये जो है आपके ब्लड को थिन कर देती है। तो उसमें ऑलरेडी आपका प्लेटलेट्स काउंट कम है। प्लेटलेट्स काउंट कम होने का मतलब क्या है कि आपका ब्लड जो है वो थिन हो चुका है। थिन होने की वजह से वो मसूड़ों में से भी आ रहा होता है, मसूड़ों में से भी आ रहा होता है, वो आपके जो है वॉमिटिंग में भी आ रहा होता है, यूरिन में भी आ रहा होता है। ऑलरेडी आपका जो है प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो चुके हैं और आपका जो है खून ऑलरेडी पतला हो चुका है, और जब आप इस तरह की पेन किलर्स लेंगे देन कोई अताई जो है वो आपको उसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर देगा, तो वो जो है उस सिवियरिटी को इंक्रीज करते हैं ट्रीटमेंट की बजाय। सो इन द ओवर द काउंटर मेडिसिन यू ओनली हैव टू टेक पैरासिटामोल, और इसके लिए जो है वो आपको जो है मसल पेन और फीवर और जो हेडेक वगैरह हो रही होती है उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होता है इन दिस सिनेरियो। अब इसमें जो है हम अगर वो कहते हैं कि जी रिस्क को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं या कम किया जा सकता है, तो क्योंकि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है तो उसमें जो है आपको अगर हम ये कहें कि मॉस्किटो से ही बचना होता है, तो घर के अंदर जो है वो अगर एक पेशेंट है, अगर इफ यू आर नॉट गोइंग टू एडमिट इन द हॉस्पिटल, तो घर के अंदर भी आप एक मच्छरदानी लगा के जो है वो उनको एक आइसोलेशन में रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जी दे कम एंड से दे केम जी मुझे डेंगू फीवर हो गया, ये का टेस्ट भी होता है विच शोज दैट के इज हैविंग डेंगू फीवर, वो वैसे ही फिर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो रिस्क ऑफ स्प्रेड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मॉस्किटो से प्रोटेक्शन ही एक वाहिद हल होता है इसमें। इसके अलावा जो है मॉस्किटो से प्रोटेक्शन किस तरह हो सकती है कि घर के अंदर जो है जितने भी गमले वगैरह हो गए, ठीक है, जहां कहीं पानी खड़ा हो सकता है, टब हो गया, एयर कूलर हो गया, वाटर कूलर हो गया, मतलब कोई भी, क्योंकि ये डेंगू फीवर वायरस जो फैलता है वो मॉस्किटो से होता है, और ये जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटोज हैं ये बड़े साफ सुथरे हैं जी, ये साफ पानी के अंदर ग्रो करते हैं, वहां पे इनके लार्वाज होते हैं। तो इसमें जो है ना ये जो चीज है कि हमने इस चीज को इंश्योर करना होता है कि पानी जो है वो कहीं पे खड़ा हुआ ना हो, ठीक है। अभी जो ये सीजन चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, तो ये जो मॉस्किटोज होते हैं ये बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं इस सीजन के अंदर, और इसमें जो है ना रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो है हम जो है ना वो इस तरह की चीजें करके जो है हम इसको इससे बच सकते। इसके अलावा जो है मॉस्किटो रिपेलेंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, जो कि आप लगाएंगे तो वो एडीज इजिप्टी को जरा दूर रखेगा, वो आपको बाइट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को ख्याल में रखना होता है, और यही एक बेस्ट सॉल्यूशन है इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। अब इसके अलावा जो है अगर आप देखें कि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जी कहते हैं जी मुझे डेंगू फीवर हो रहा है जी, और देर वेयरिंग हाफ स्लीव्स और इस तरह की जो है ट्राउजर पहने हुए हैं जी, शॉर्ट्स पहने हुए हैं उन्होंने, तो उसमें जो है ऑफकोर्स जो है अगर आप बॉडी को एक्सपोज करेंगे तो उसमें जो है आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जी नेट यूज करना होता है जहाँ पे डेंगू फीवर आप लोगों को आपके एरिया में अगर ज्यादा फैल रहा है, तो ऑफकोर्स यू हैव टू टेक मोर केयर ऑफ दैट।
और इसमें जो है अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा जो कि हो सकते हैं और जिसके बारे में मालूमात जरूरी है। मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में और कुछ क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क मी। तो इसमें ये है कि कुछ क्वेश्चन ये हैं कि क्या कोई इसकी वैक्सीन अवेलेबल है डेंगू फीवर की। देन आई विल से कि अभी तक अवेलेबल नहीं है फॉर द कॉमन पीपल बट दे आर वर्किंग ऑन दैट। और अमेरिका में इसके ऊपर काम हो रहा है, डेंगा वैक्स के नाम से एक वैक्सीन है जिसपे काम किया जा रहा है फिलहाल। सो वी विल सी के फ्यूचर के अंदर इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जी क्या डेंगू वायरस जो है वो डायरेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है डायरेक्टली, इसका कोई ट्रांसफर का कुछ कोई रिकॉर्ड ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि कुछ के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये ट्रांसफर हो रहा है। हाउएवर मॉस्किटोज जो है वो इसको स्प्रेड करने का कॉज बनते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि जी डेंगू फीवर में हम ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। तो मैंने उसके बारे में बता दिया कि आप लोगों को सिर्फ पैरासिटामोल लेना है, ना आपको डिस्प्रिन लेनी है, ना आपको ब्रूफिन लेना है, ना आपको सिंफ्लेक्स लेना है, कोई आपको पेन किलर कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल इस्तेमाल करना है। इसके अलावा पैनाडोल इस्तेमाल कर लें या पैनाडोल के अंदर जो सॉल्ट है पैरासिटामोल के नाम से उसके अंदर आपको कुछ भी मिल रहा है, कैल्पोल मिल रही है, फेब्रोल मिल रहा है, पैरासिटामोल मिल रहा है, पैनाडोल मिल रहा है, डेस्प्रोल मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट की तादाद कम होती है तो उसके लिए जो है ना आपको इन चीजों का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है क्या प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है वो डेंगू जो है अपने बच्चे में वो ट्रांसफर कर सकती है। तो यस देयर आर चांसेस कि वो ट्रांसफर हो सकता है। और इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन है कि क्या डेंगू फीवर जो है अगर एक दफा हो गया है एक शख्स को तो क्या वो दोबारा हो सकता है। यस ऑफ कोर्स हो सकता है। उसमें रीजन ये है कि डेंगू फीवर डेंगू जो वायरस है उसकी चार टाइप्स होती है, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4। तो अगर आपको एक दफा एक वायरस ट्रांसफर हुआ है देन और नेक्स्ट टाइम वो आपको दूसरा वायरस ट्रांसफर हुआ है तो ऑफ कोर्स जो है ना आपको डेंगू फीवर होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज अपने इस चैनल का भी और अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.